चुनावी ड्यूटी में सिंहवाड़ा पहुंचे बीएसएफ जवानों की बस लालपुर बर्रीकोठी सड़क पर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाने में के पास बुधवार को पलट गई। घटना में चालक समेत 10 जवान जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों और बीएसएफ के जवानों ने घायलों को सिंहवाड़ा सीएचसी में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जवानों के ठहराव के लिए सिंहवाड़ा हाई स्कूल में कैंप बनाया गया है। बुधवार को दोपहर पहुंचे जवानों की बस लालपुर चौक से जब हाई स्कूल की ओर बढ़ी तो लोकेशन की सही जानकारी नहीं होने के कारण बस हाई स्कूल के नज़दीक बुधवार की ओर बढ़ गई। कंपनी कमांडर विजय बहादुर ने बताया कि चुनावी ड्यूटी के लिए हम लोग सिंहवाड़ा आए थे, संकरी सड़क में बस आगे बढ़ गई। बस को वापस घुमाने के लिए जगह नहीं मिलने के कारण थोड़ी दूर आगे जगह खाली जगह में जाकर चालक ने बस को घुमाना चाहा। पीछे करने के दौरान चालक ने संतुलन खो दिया और बस सड़क से नीचे गड्ढे में जाकर पलट गई। वहीं सिंहवाड़ा सीएचसी के एमओआईसी डॉक्टर प्रेम चंद प्रसाद ने बताया कि सभी जवानों की हालत स्थिर है। जख्मी हुए जवानों में हेड कांस्टेबल संजय भाई, हेड कांस्टेबल डीडी महतो, कांस्टेबल अविनाश कुमार, बस का चालक पूनिया निवासी बजरंग सिंह के अलावा जवान रामचंद्र विश्वजीत समर, समीर कुमार, एस के राय, विजय पासी और धनंजय कुमार शामिल हैं। फिलहाल सबका इलाज सीएचसी में चल रहा है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।